IPL मैच 26th राजस्थान रॉयल वर्सेस एलजी, कौन जीतेगा आज का मैच? जो लोग ड्रीम 11 खेलते कौन सी टीम लगानी चाहिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि IPL खेलते हैं या जो कि ड्रीम 11 में टीम लगाते हैं। जी हाँ गाइस, 19 अप्रैल को स्वामी मानसिंह स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जो कि 3 साल बाद अपने होम ग्राउंड में खेल रही है राजस्थान रॉयल्स। ऐसे मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले, और एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाले हम वीडियो के अंत में, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ड्रीम 11 में पैसा कमाना है या मैच क्या पैसा कमाना है, कौन जीतेगा, क्या टीम होनी चाहिए, पिच रिपोर्ट क्या है, टॉस क्या है, सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस एलएसजी का मुकाबला 19 अप्रैल को स्वामी मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा गाइस। मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें काफी शानदार फॉर्म में, जीतने की हर कोशिश करेंगी और आप ये वीडियो देखकर परफेक्ट ड्रीम 11 भी बना सकते हैं। पॉइंट टेबल की बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल्स 8 अंकों के साथ टॉप पर है, वहीं लखनऊ 6 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। राजस्थान ने 5 में से 4 मुकाबले जीते और एलएसजी ने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं गाइस, पिच पर हल्की घास से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, मार्कवुड जैसे गेंदबाज इस पिच पर शानदार साबित हो सकते हैं। यहां कोई भी टीम ने 200 रन के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है, यहां केवल एक ही शतक बनाया गया है, तो आप मार्कवुड को अपनी टीम में जरूर लीजिएगा गाइस फैंटेसी लीग में। अब हम टॉस की बात करते हैं कि टॉस करके क्या करना चाहिए। जो लोग टॉस खेलते हैं गेंदबाजी करने के लिए, टॉस करके अगर आप टॉस जीतती है जो टीम, उन्हें गेंदबाजी करने के लिए इस मैदान पर 47 घरेलू T20 मैचों में से पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने अभी तक 32 मैच जीते। यानी गाइस अगर जो टीम टॉस जीती है उन्हें इस मैदान पे पहले गेंदबाजी करनी चाहिए। अगर पहले बल्लेबाजी कोई टीम करती है गाइस तो टीम 180 प्लस का लक्ष्य रखना चाहिए, बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने का मौका मिलेगा, बल्लेबाजों को स्ट्रोक्स खेलने का मौका मिलेगा इस पिच पे। की प्लेयर्स की बात करें राजस्थान रॉयल्स के लिए गाइस, जो कि आप अपनी ड्रीम 11 टीम में भी रख सकते हो, ट्रेंट बोल्ट जो कि राजस्थान रॉयल के प्रमुख गेंदबाज है, और चहल और जंपा प्रमुख खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। एलएसजी की बात करें तो की प्लेयर्स है मार्कवुड और जयदेव उनाडकर पर नजर रहेगी। अगर लखनऊ टॉस जीते पहले गेंदबाजी करती है मार्कवुड को सतह से कुछ मदद मिल सकती है। अगर हम लास्ट मैच की बात करें गाइस, जो कि 3 साल पहले हुआ था, अगर हम लास्ट मैच की बात करें तो लास्ट मैच में राजस्थान रॉयल्स प्लेयर ऑफ द मैच जो बने थे वो थे शिमरन हेटमायर। एलएसजी के लिए की प्लेयर मार्कवुड और जयदेव उनाडकर पर नजर रहेगी। अगर लखनऊ टॉस जीते पहले गेंदबाजी करती है वुड को सतह से कुछ मदद मिल सकती है, इसलिए आप मार्कवुड को अपनी टीम में रखिएगा। तो गाइस आप बहुत सोच समझ के अपनी टीम को बनाइएगा, टीम में प्रमुख गेंदबाज जरूर रखिएगा क्योंकि ये बॉलिंग पिच है। साथ में आपको अगर फाइनल टीम चाहिए तो हमारे चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए जो है एमकिंग स्पोर्ट्स नाम से, और हमारे ब्लॉग्स को जाके पढ़िए जहां पे आपको मैच के बारे में डिटेल समरी मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और साथ में डेली मैचेस के प्रेडिक्शंस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप ओल्ड वीडियो देख के देख सकते हैं कि हमने कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन की थी और 100% हमारी रिपोर्ट रहती है। थैंक यू गाइस।